शादी को 15 साल हो गए हैं, तो आप क्या अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती आ रही हैं? नहीं, पहले तो नहीं जीत पाई, लेकिन अब अपने हिसाब से जीने लगी। वैसे पहले मैं नई नई थी, कहीं आती जाती नहीं थी, घर में ही रहती थी। कोई सामान घटता बढ़ता था तो किसी और को डिपेंड थी। अब जैसे मैं बाहर निकलने लगी हूँ, अपना कुछ करती हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी कुछ समझती हूँ। बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, अब इसमें दिक्कत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीती। अच्छा, आपके शरीर पर किसका अधिकार है? हमारे शरीर पर तो है पति का अधिकार, लेकिन हमारा भी अधिकार है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपके पति ने आपके शरीर के साथ कुछ करना चाहा या आपकी इच्छा नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो मान गए हों? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कभी करना चाहते हैं तो कर ही लेते हैं, मानते नहीं। आप पुरुष और महिला को लेकर क्या कहना चाहेंगी, उनके मतलब कि साथ संबंध को या शरीर के पर उनके अधिकार को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे पुरुष का ज़्यादा अधिकार है, महिलाओं का कम अधिकार है। पुरुष जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। जैसे कहीं जाना हुआ तो पुरुष चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं को जाने के लिए तमाम पाबंदी लग जाती है। वहाँ अकेले नहीं जाएंगी, रात हो जाएंगी। पुरुष 2-3 दिन में घर लौट आए, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं जाती हैं तो तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं, अकेले जाएंगी, समाज का रीति रिवाज है। ऐसा क्यों होता है? हमारा समाज पता नहीं ऐसा क्यों बन गया है, पुरुषों को ज़्यादा हक देता है, महिलाओं को नहीं देता है। पुरुष छोटी सी गलती करके आएंगे, उनका हक दिया जाता है, और महिला छोटी सी गलती करके आएगी तो उसके पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। इसे मान लीजिए पुरुष हैं, एक महिलाओं से नहीं 4 महिलाओं संबंध बनाए हैं, परिवार उसको, समाज उसको कुछ नहीं बोलता। यदि महिला से थोड़ी सी गलती हो गई तो महिलाओं को कलंकित है, या हुआ पूरा समाज करने लगता है। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह पुरुष का अधिकार मिला है, उसी तरह महिलाओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, महिला भी एक इंसान है। क्या पुरुष से गलती हो सकती है, महिला से नहीं हो सकती है। पुरुष को बाहर जाने का अधिकार है, महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए।